बात करने का पर्पस ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन की GDP को टच कर गया। पूरी दुनिया हैरान है और उन्होंने बताया कि 2024 के एंड तक वो जर्मनी जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाती है नेशन और पाकिस्तान के हवाले से। ख़ास तौर पे अभी रहा हमेशा से ये 75 साल से हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक थी, लेकिन इस टाइम जो है अब जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे हैं, कौम में शऊर आ गया है कि देखें जो भी हमारे इख्तलाफात हैं किसी के साथ भी, हम समझते हैं कि हमारे इंडिया के साथ अपने दुश्मन मुल्क हम समझते हैं सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क, लेकिन अब ये जो है वो जो दुनिया है वो जियो इकोनॉमिक पे बिलीव करती है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन से, जियो इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड पावर की जो गेम है अब वो उसमें हमारा हमसाया मुल्क चला गया और हम जो हैं वो देख लें आप, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं ठीक। मेरा ये पॉइंट जो है ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं ठीक और किस हवाले से नहीं ठीक वो काफ़ी लोग जानते हैं, आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे और आप भी जानते हैं कि हम कहाँ पे। आप देखें ना कि एजुकेशन का सेक्टर है हमारी जो टोटल, वो हम GDP के लिहाज से मेरा ख्याल 2% इसमें करते हैं और हमारा डिफेंस का देख लें कहाँ पे बजट है 5%। तो ये कहने का मतलब है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, तो हमें सिखाया ही जंगजू बनाया जा रहा है और ये एक ख़ास माइंडसेट के लोग हैं जो वो कर रहे हैं और कौम को, लेकिन इंशाल्लाह चेंज आ रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चंद लोगों ने स्टैंड लिया लेकिन अब लोग आम गलियों चौराहों में खड़े होकर, मेरे जहन में सवाल आया तो मैंने आपको आके इधर कहा सवाल कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव जो है चेंज है। बिल्कुल सही यार, क्या माइंडसेट के बंदे मिल रहे हैं मुझे आज, ज़बरदस्त हो गया आज तो। पर मैं लगता है कि किसी अच्छे बंदे का मुंह देख के आया हूँ, जो मुझे पढ़े लिखे बंदे मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, ये मैं ना दिल, मेरा दिल रो रहा है इस टाइम, ये मैं बात करते हुए, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी में लोग हिंदुस्तान की कि वो भाई दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन गया, $4 ट्रिलियन की उनकी GDP हो गई है, GDP को टच कर गए हैं, तो यहाँ पर हमारे लोग जज्बाती हो जाते हैं। माइंडसेट देखिए, ऐसे ट्रेन किया गया है कि आपने दुश्मनियाँ करनी है सिर्फ, आपने ग्रोथ की बात नहीं करनी सिर्फ, हमारे बच्चों के, मैं और आप चलें जहाँ पर जाकर 8 साल के बच्चों को भी बात करेंगे, वो भी कहेंगे हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हमने मारना धाड़ना, हमने तरक्की नहीं करनी, ऐसी बात है। साइंस तो हमने देखना ही नहीं है, और साइंस पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, ये पढ़ाना हमारा, क्या बताओ, ये सारी ये माइंडसेट से हम तरक्की करेंगे? सर पहली बात तो ये है कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ रहा है कि ये फेक नेशनलिज्म के चक्कर से निकले हैं, अब दुनिया ये देख रही है कि जी कौन बंदा जो है वो तरक्की कर रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोस्पेरिटी है कि नहीं है। अब ये चीज़ें जो हैं जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे तो ये चल सकती हैं कि जी आपने वो जो पुरानी फिल्मों वाला कल्चर है कि जी जगह टैक्स तो ये वो, लेकिन अब नए जो नौजवान हैं, अब देखें नेशनलिज्म के बॉर्डर से हट के जो है वो IT का सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस टाइम इंडिया कर रहा है, IT बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है IT, वो कैलिफोर्निया को भी बीट कर रहा है भाई, अपनी सर्विसेज टोटल जो कंपनीज हैं गूगल की CEO की, वो CEOs जो बैठे हुए हैं वो आपको भी बेहतर पता है वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो हमें, हम नौजवानों को आप जिस तरह कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे से बाद में आ रहे हैं कि यार ये इस चीज़ से निकलो। अब मैं खुद इस चीज़ का यानी जो है वो चश्मदीद गवाह भी हूँ, मुझे मौका मिला कि मैं ओवरसीज़ में भी मैंने ट्रैवल किया एक दफ़ा। कहाँ तक गए? मैं अमेरिका गया था। आप अमेरिका गए, अमेरिका में देखा होगा, वहाँ पर आपसे मिले भी होंगे, पाकिस्तानी मिले होंगे, इंडियंस भी मिले होंगे, कहाँ कहाँ पर देखा, पाकिस्तानी को किस पोस्ट पर देखा, इंडियंस को किस पोस्ट पर देखा अमेरिका में? देखें जी, जो इंडियंस हैं वो इंडियन ख़ास तौर पर, अब ये मैं कोई हेट रिलेशन तो मैं वैसे भी नहीं, मैं इस पर यकीन भी नहीं रखता, लेकिन वैसे जो ऑब्ज़र्व किया है, इंडिया जो है, इंडियन जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानीज हैं ये टांगे ज़्यादा खींचते हैं। मैं सिंसियरली आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन जहाँ पे भी मिलेगा ना आपको दुनिया में, वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जो लोग हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं कि जी नया लड़का, जब मैं गया हूँ या आप गए हैं अमेरिका, तो वो कम्युनिटी बनाएंगे कि यार इसको हमने मिलकर सपोर्ट करना है, और जब ये आप स्टेबल हो जाएगा तो नए जो आएंगे उनको भी सपोर्ट करना है। भाई मैं इस भाई की ना पूरी बात से एग्री करता हूँ, और इन्होंने कहा कि इंडियंस अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, तो इस चीज़ का सारा क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी को देना चाहूँगा। वो बंदा जब से आया 2013 के बाद ऐसा उसने एक इंजेक्शन लगाया नेशनलिस्ट का,
अपने पूरी कौम को नेशनलिस्ट बना दिया, पूरे इंडियंस के मफाद के लिए वो काम करते हैं भाई। आप देखोगे वो बंदा आता है, इकोनॉमी कहाँ होती है, एजुकेशन सेक्टर कहाँ होता है, आता है उठा देता सब चीज़ों को। आज उनकी इकोनॉमी देख लें, पूरी दुनिया उनके हाँ ना से पूरे फैसले हो रहे। भाई हमें भी इस काबिल बनाओ यार, हम भी कहें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, और इस पॉइंट में मैं यही कहूँगा कि देखें, जब आपकी प्रायोरिटीज ठीक होंगी ना, आप इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ में, आप एजुकेशन में, आप कौम एक एक कौम जो है, आप मुवाजना तो कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। एक मैं यहाँ पे ये भी आपको पॉइंट बताता चलूँ, यहाँ पे एक एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। अब एंटी अमेरिकनिज्म, इस पे अलहदा डिबेट हो सकती है कि वो किस पराये में देख भी रहे हैं, उनसे डॉलर भी ले रहे हैं, गालियाँ भी आवाम देती है। अब लोग जो है वहाँ पर अमेरिका में, आप उनका एक शख्स यानी एक मैं और एक अमेरिकन, आप उनका आपस में मुवाजना कर लें, आपको हेल्थ सेक्टर में, आपको एजुकेशन सेक्टर में डिफरेंस नज़र आएगा। आप इस पे तो डिबेट कर सकते हैं कि कौन कितना आगे चला गया, कौन कितना नहीं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो देते हैं, और इसमें जो है वो कोई भी दूसरा सवाल है ही नहीं है कि पाकिस्तान के जी अमेरिका को, बस यहाँ पर एक फेक सी बात है कि जी अल्लाह तबाह कर दे, अल्लाह तबाह कर दे, अल्लाह निस्तो नबूद कर। आपको दे के हथियार दे के दुनिया में भेजा। देखें दुनिया जो है वो दुनिया, यही दुनिया है ना, यही दुनिया, अमेरिका की भी ज़मीन यही है, दुनिया के ऊपर ही ज़मीन है, समुंदर समुंदर को सिर्फ सेपरेट करती वही ज़मीन है। अब यहाँ पे क्या हाल है, वहाँ पे क्या हाल है, इंडिया देख लें आप, उधर छोड़ दें, अब अपने रीजन में एशिया में देखेंगे। इंडिया इस टाइम, आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सतह पर अपना एक इन्फ्लुएंस रखता है, और उसने मज़ीद आगे करना है, वो ग्लोबल पावर के चक्कर में है अब, और इस हवाले से इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद ही हम जाहिर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस फेक नेशनलिज्म और ये एक सेंटिमेंट्स बाहर निकले यार, इमोशनल डिबेट्स होती हैं कि जी इंज कर दे, इंज कर दे, ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा जो आने वाला टाइम है इसमें ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं साबित होंगी। कैसे देखते हो यार, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी, पढ़े लिखे शहरी हो, आप पूरी दुनिया को विजिट करके भी आए हो, जिस तरह से वो लोग ग्रो कर रहे हैं इंडियंस, जिस तरह से अगर यहाँ पर बैठकर किसी भी मतलब कि ऐसे माइंडसेट के बंदे से बात करोगे कि भाई पड़ोसी मुल्क तो बड़ा तरक्की कर गया, वो चांद पर चला गया, हम उसके उसकी ना जिसामत को, उसके जो ग्रैंडनेस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्या लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, और कौन लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि पावरफुल हैं? देखें जब हम इंटेलेक्चुअल डिबेट करेंगे या हम आर्गूमेंट्स पर बात करेंगे, तो अगर हम उसमें उनको आगे उनको बीट कर सकते हैं, तो तब तो हम कहेंगे कि जी पाकिस्तान एक सही रास्ते पर चल रहा है। आप एक फेक सा नैरेटिव बना के आपने कौम को, अब एक 16 साल से नीचे वाला लड़का है कोई, अब वो शख्स वो नहीं जानता कि यार ये क्या दुनिया है, उसको आपने जो दिमाग में फीड करना है उसने उसी का ही जवाब देना है। अब आप उसको फीड करी जा रहे हो कि जी अमरीका जो है, इंडिया है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया गंदा है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, और हम बहुत अच्छे हैं, पाक ये है, नाम इसका ले ही लेता हूँ कि जी वो जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी हिफाजत कर रही है, हिफाजत करनी चाहिए और हिफाजत हम इसको मानते भी हैं, लेकिन जो काम किसी इदारे का है वो उसी इदारे पे ही रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये चीज़ नुकसान देगी और दे रही है, 75 साल से देती आई है। बिल्कुल सही हो गया, बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे आप लोगों ने देखी एक पाकिस्तानी, एक पढ़ा लिखा शहरी, मैं यार अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसे बंदे मज़ीद आने शुरू हो गए, ऐसे एजुकेटेड यूथ मज़ीद यहाँ पर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए, तो हम भी तरक्की करेंगे, हम भी पीछे किसी से नहीं रहेंगे, हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होने वाला। अगर हमारे अंदर और नेगेटिव सोच वाले बंदे जो सिर्फ जंग के बारे में सोचते हैं कि भाई जंग करेंगे, हर एक मुल्क के साथ जंग करके हमारे फतह होगी, हम जीतेंगे, तो भाई हमारी उस सोच के बदलने के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया यार ब्रो, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? फरहान सिकंदर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि आप मौजूदा टाइम के अंदर हमारे मुल्क की जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी के हालात है, जो हमारे जीडीपी के हालात है, इसके बरक्स अगर मैं आपको बात करूँ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की, जहाँ से हमने एक ही साथ सफ़र स्टार्ट किया, आज देखते हैं कि 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, उनकी जो जीडीपी है वो $4 trillion को पहुँच गई है, उसके बाद उनकी इकोनॉमी वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है, कैसे देखते हैं वो प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं? देखिए जो डायनामिक्स है उनकी इकोनॉमी के, वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अच्छा। मतलब के उन्होंने अपनी आईटी जो है ना सबसे पहले उस पर काम किया, आप देख ले बेंगलुरु में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कैलिफोर्निया की जो आईटी इंडस्ट्री है उससे कम्पीट कर रही है। अच्छा।
उसके बरक्स आप देखें हमारी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी आईटी की प्रोडक्ट्स के कंपैरेटिवली 2% भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक आईटी सेक्टर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके अलावा आप किसी भी उनका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया देख लें, आप देख लें वो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, कितने इनकम है उसकी, उसके बरक्स आप हमारा मुल्क दे लें। बेसिकली जो मैं समझता हूँ जो मेरे मुताबिक जो सबसे बड़ा इशू ये है वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डॉलर बेस्ड है, हमेशा से डॉलर बेस्ड रही है। जब अमेरिका को इंटरेस्ट हुआ है तो डॉलर्स आए, जब उनका इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है तो डॉलर्स नहीं आए। तो हमने उन डॉलर्स जब वो आते थे उनको कभी इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई कि इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके, तो सस्टेनेबल नहीं हो सकी इकॉनमी, तो जैसे डॉलर का इनफ्लो ख़त्म होता है इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है। इसके बरक्स उन्होंने उन ईयर्स को जो उनके स्टार्ट वाले ईयर्स थे उसमें सस्टेनेबल पॉलिसीज बनाई हैं और उस सस्टेनेबिलिटी की वजह से उनकी इकॉनमी अभी ट्रैक पे है। तो ये क्या ज़बरदस्त डिफाइन किया आपने, मैं हैरान हूँ कि आप भी हमारे मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, मैं किसी से इकोनॉमी के बारे में पूछूं तो उनको ज़्यादातर तो इकोनॉमी का पता ही नहीं है, और स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान की बात आए तो वो कहते हैं कि भाई हम हर चीज़ में आ गए हैं, हम जज्बे से आ गए हैं, हम जज्बे से सब कुछ कर देंगे। क्या जज्बा लेकर हर चीज़ को बोर हासिल कर सकते हैं? अगर हम में इतना ही जज्बा था तो हमने अपनी इकोनॉमी को, अपनी आईटी इंडस्ट्री को अभी तक प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं लेके गए इंडिया की तरफ? बेसिकली हमारे जो स्लोगन्स हैं वो हॉलो हैं। अच्छा, तो जब स्लोगन्स हॉलो हों और इधर आपकी एलीट आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, आर्मी एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, तो जब उनके इंटरेस्ट एक पेज पे है ही नहीं तो कैसे मुल्क को आगे लेके जाएंगे? तो यही डिफरेंस है कि वो जो है इंडियंस जो है वो जो कंट्री गोल्स हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं, हम इंडिविजुअल गोल्स को प्रायोरिटी देते हैं, हर कोई अपना अपना वो बनाने में लगा हुआ है। अब मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं अपनी जेब भरूंगा, किसी और को मिलेगी तो अपनी, मुल्क का कोई सोचेगा नहीं। तो जब तक हम सोचेंगे नहीं कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी बन के तो मुश्किल है। अगर आप मेरे किसी भी, अगर हम दोनों जाएं किसी बच्चे से पूछें जो कि जिसकी उम्र 6-7 साल 8 साल होगी, उससे मैं बात करूंगा यहाँ पर, वो मैं उससे बात करूंगा कि भाई इंडिया के बारे में क्या ख्याल आता है, अमेरिका के बारे में क्या ख्याल आते हैं, अमेरिका को भी गाली देगा, इंडिया को भी गालियाँ देगा, वो कहेगा इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने उसे जंग लड़नी है, मैं जाऊँगा बम बांध कर वहाँ पर तबाहियाँ करके मार के आऊँगा, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है। जब इस तरह के माइंडसेट, इस तरह की हमें स्टडी दी जाएगी तो क्या लगता है कि आपको बच्चों के माइंडसेट के अंदर दुश्मनियाँ पैदा होंगी या ग्रोथ माइंडसेट पैदा होगी जिससे हम, उसको पता ही नहीं आईटी क्या है, उसको ये ज़रूर पता कि दुश्मनी कैसे कही जाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो स्पेशली एकेडमिक जो एजुकेशन जो कोर्सेज कोर्स वर्क में पढ़ाए जाते हैं उसमें इस चीज़ को इनहिबिट किया गया है कि भाई हमने देखिए कुछ नेशनल हीरोज़ होते हैं, कुछ नेशनल एनिमीज़ भी होते हैं, तो नेशनल एनिमीज़ को तब तक आप जब तक आप नेशनल हीरोज़ को ग्लोरीफाई तभी कर सकते हैं जब आप नेशनल एनिमीज़ बनाएं। तो हमारा नेशनल एनिमी इंडिया है और अनफॉर्चुनेटली हमने कभी भी इंडिया के पॉजिटिव्स को नहीं लिया। पॉजिटिव्स को लें आप ना तो अमेरिका को पाकिस्तान में कोई साजिशें करता है, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो लोग बात करते हैं जिनके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं है। और स्पेशली कुछ लोग इधर पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट को परपेटुएट करने के लिए इस तरह के स्लोगन्स का यूज़ करते हैं, ऑल्दो ऐसी इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो जब तक हम रियलिटी बेस्ड माइंडसेट नहीं रखेंगे और अपनी जो सेल्फ असेसमेंट है उसको नहीं करेंगे तो तब तक हम उन्हीं को ब्लेम करते रहेंगे। आप देख लें कल इंडिया, कल मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि इंडिया जो है वो उनके प्लान्स क्या है कि 2035 तक वो चंद्रयान आगे भी जाएंगे और उससे भी आगे जाएंगे और हम सोच रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप के मैच में कैसे हराएंगे। तो ये डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है। और दूसरा आप देख लें उनका लिटरेसी रेट और उनका जो करिकुलम है, एक इंडिया का जो बच्चा है मैट्रिक का उसका आप देख लें जब जिस जो उनका लेवल है बातें करने का, जो उनकी सोच है, जो उनकी थिंकिंग है, और इधर देख लें तो इट टेल्स अ लॉट के किधर हम लैग कर रहे हैं। बेसिकली हम ग्रास रूट्स पे लैग कर रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ जो है वो एनिमिटी सिखाई जा रही है, ये नहीं कि दूसरों की सिखाई नहीं जा रही, बेची जा रही है।
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बेची जा रही है, एवेन्यूज हैं जिनमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम कश्मीर का मसला या दूसरे किसी मसले को लेके ट्रेड का बायकॉट कर देते हैं, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप नेशनल इंटरेस्ट पे बात करेंगे आपका अपना नुकसान है, इंडिया को और चाइना का लद्दाख का मसला है, ट्रेड चल रही है, डील कर रहे हैं, हमारे लीडर्स के पास इतनी भी समझ नहीं है यार कि अगर ट्रेड बंद करते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान, ताजर हजरात मर जाएंगे भूखे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या इस तरह की सोच हमें आ सकती है नीचे लेवल के लोग के, इतने बड़े लीडर को हमने सीटों पे बिठाया था क्या उनको ये सोच नहीं आती? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। 1997 में चाइनीज जो आई डोंट नो उनका नाम क्या है उनके लीडर जिस तरह भी शी जिनपिंग, उनसे पहले जो 1997 में उनके लीडर आए थे वो 1997 में वो पाकिस्तान की असम्बली से ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कश्मीर तो एक फेस्टिंग इशू है, मतलब फेस्टिंग के लंबा चलता रहेगा, इसने तो ठीक होना नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में तो आप इस चीज़ ऐसी भी कौमें हैं कि जो अपने इश्यूज को साथ लेके लेकिन जो ऐसे एवेन्यूज हैं जिनमें कोलैबोरेशन हो सकता है उनमें वो शाना बशाना चल रही हैं, तो आप इस चीज़ को एक साइड पे रखें, इसके रिजॉल्व के लिए आप करें अपने मसाइल अपनी कोशिशें करें, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं उनमें आप एक दूसरे के साथ आगे चलते रहें। अब देख लें जो आपने भी बात की कि ट्रेड वाली बात, इंडिया अगर हमसे ट्रेड नहीं करता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम नहीं करते तो हम अपना नुकसान आप कर रहे हैं, और बजाय इसके कि जो अपनी हमारी जो ज्योग्राफी है इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना हमारा, क्या कट कर रहे हैं सॉरी उसके लिए, इंडिया से हम सोने की चिड़िया बन चुका दुनिया के लिए, हमारे लिए भी हो सकता है अगर हम ट्रेड करें, जो गाड़ी हम जापान से मंगवाते हैं 40 लाख दे के अगर वो इंडिया से मंगवाएं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मंगवाएं, वही गाड़ी में 5-6 लाख में यहाँ पर हर फैमिली गाड़ी चला सकती है, जो मोटरसाइकिलों में मर जाती है एक्सीडेंट होने की देर मर गए बस, बचने का कोई चांसेस नहीं है, अगर हम उनकी गाड़ी इंडस्ट्री में मंगवा लेते हैं, उनके जो बाहर से जो चीज़ें मंगवाते हैं इतनी एक्सपेंसिव, अगर दुबई के रास्ते हम ट्रेड इंडिया से ही कर रहे हैं लेकिन दुबई के रास्ते कर रहे हैं, क्या समझते हैं आपकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं अगर आज ट्रेड के लिए हम आज भी हाँ कर दें तो? जी बिल्कुल, ये तो नेशनल प्रायोरिटीज़ की बात है, अगर आप ट्रेड जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया वाले हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम हाँ करें तो वो ट्रेड करेंगे, अभी हमें ही ये जो मतलब स्टेप लेना हो, उसके अलावा जो जिस तरह ट्रेड की बात है तो हमें चाहिए कि ऐसे स्टेप्स लें कि जिससे हमें हमारे और कौम का फायदा, बिल्कुल मुल्क और कौम का फायदा हो, ऐसे करेंगे तो यूके जापान और जर्मनी को बीट करने जा रहे हैं 2024 के अंदर, वो 4 ट्रिलियन का मतलब पता है, $4 ट्रिलियन, हमारे को 10-15 हज़ार साल लग जाएंगे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते बनाते, GDP उनकी 4 ट्रिलियन पे जा रही है, अभी 24 तक अगर वो बता रहे हैं कि भाई 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी तो फिर सोचिए उनका लेवल कितना ऊंचा होगा, क्या वो दुनिया को डील कर रहे होंगे, दुनिया के फैसले तो हम कहते थे हमसे होंगे, पाकिस्तान हाँ करेगा तो हाँ होगी ना करेगा तो ना होगी, लेकिन वो चेंज होकर इंडिया की तरफ जा रहा है सारा कुछ। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर आपने इंडिया से कम्पीट करना है जो हम दावा करते हैं तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना होगा, अनलेस एंड अनटिल हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो दुनिया हमारी तरफ नहीं देखेगी, और जब तक दुनिया हमारी तरफ नहीं देखेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे आप कह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बन सकते, तो जब तक दुनिया को हमारे साथ इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो तब तक वो हमारी तरफ कैसे हमारे साथ रिलेशन क्यों रखेगी, हाँ अपनी जो जियोग्राफी है उसको अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो हम एक इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं, और जब हम इकोनॉमिक पावर बन सकेंगे तो नो डाउट कि हम दुनिया में किसी को भी कम्पीट कर सकते हैं, लेट अलोन इंडिया। बहुत ज़बरदस्त यार, वैसे आप देख सकते हैं कि एजुकेटेड बंदा पाकिस्तान के शहर में पाकिस्तान के सड़कों पर घूम रहा है, मैं तो हैरान हूँ यार कि इस तरह की थिंकिंग जो पॉजिटिव हो, जो लिबरल माइंडसेट है कि जो कि